इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम आज आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, ये सब कुछ खुशी मना रहे हैं और जो आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब उन शहीदों की बदौलत है जिन्होंने अपना सुख दुख कुछ नहीं सोचते हुए अपनी जो ज़िंदगी है देश के लिए कुर्बान कर दी और हमको ये आज़ादी दिलवाई है। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी निगहबानी करें और इसको सही सलामत रखें और भारत देश को और आगे बढ़ाएं। देश के युवा के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वो नेताजी बने, सिर्फ उसी को मत देखें, उनकी अगर ज़िंदगी की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो उस मकाम पर कैसे पहुँचे और उनकी जवानी में उन्होंने क्या किया। अगर उसको हम फॉलो करने की कोशिश करें तो शायद हर एक आदमी उस मकाम पे तो ना पहुंच सके, पर बहुत हद तक जो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर कर सकते हैं और हम सबको करनी चाहिए। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र जी, बड़े बहुत अच्छे संगठन करता थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अकेले उन्होंने इतना संघर्ष किया। एक महामानव थे, सुपरमैन थे एक तरह से, और उनका जो एफर्ट था, उनका जो प्रयास था, वो भी एक सुपर ह्यूमन एफर्ट कहा जा सकता है। और आज के युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि वो सकारात्मक सोच रखें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले, उनके मूल्यों को अपनाएं अपने जीवन में। सभी सुजलाम सुपनाम मलयति पितनाम सस्तिका